आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद माँ नवदुर्गा आरंभ होगी। माता रानी के नौ स्वरूपों की, शक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अभी आपने देखा पंडाल धीरे धीरे सजने लगे हैं और माता की प्रतिमाएं यहां अंतिम रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 अक्टूबर 2024 का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, मंगलवार का ये नज़ारा। माता की प्रतिमाएं लगभग तैयार हो चुकी हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां माता की प्रतिमाएं जो तैयार हो चुकी हैं उन्हें ढक कर रख दिया गया है। बारिश कभी भी हो सकती है इस डर से। और ये देखिए कितनी सुंदर सलोनी प्रतिमा माता की, कुछ ही दिन या ये कहा जाए कि बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर को माता रानी पंडालों में विराजेंगी और उसके बाद 9 दिन तक माता दुर्गा जगत जननी माँ जगदम्बे के शक्ति स्वरूप 9 शक्ति स्वरूपों का पूजन आरंभ होगा। ये आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, जगह जगह माता की प्रतिमाएं तैयार करने का काम जारी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। जो कलाकार हैं प्रतिमाएं बनाते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं, मूर्तियां आप देख सकते हैं मिट्टी की बन रही हैं और इनमें रंग किया जाता है। इसके बाद उन्हें तरह तरह के वस्त्र और आभूषण भी पहनाए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी शहर में कई स्थानों पर माता की प्रतिमाएं बनने का क्रम लगातार जारी है। हमने आपको पहले गणेशोत्सव के पूर्व बुद्धि विनायक भगवान गणेश की प्रतिमाएं जब बन रही थी तब हमने आपको वो दिखाया और उसके उपरांत अब ये माता दुर्गा की यहाँ पर मिट्टी की प्रतिमाएं आपको बनती हुई दिख रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता की 9 स्वरूप हैं, इन 9 स्वरूपों के बारे में हम आपको बताते हैं। माता दुर्गा के शक्ति स्वरूप 9 स्वरूप हैं और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में माता के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहाँ एक श्लोक है, प्रथमम शैलपुत्री चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्दुर्गम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्त्रयेन्तानि नमामि ब्राह्मणे महात्मना। ये एक श्लोक है जिस श्लोक में माता के पूरे स्वरूप, माता शैलपुत्री प्रथम रूप है, प्रथम दिन पूजी जाती हैं, माता ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन पूजी जाती हैं, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथे दिन माता कूष्मंडा का पूजन किया जाता है, पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन होता है, छठवें दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है और सातवें दिन कालरात्रि माता को का आह्वान किया जाता है, आठवें दिन माता महागौरी का होता है, आठवां दिन इस दिन माता महागौरी की पूजन की जाती है और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 स्वरूप हैं और इन स्वरूपों का अलग अलग महत्व है। इन 9 स्वरूपों का पूजन का किया विधान भी अपना पृथक पृथक है, माता की सवारी भी पृथक है और माता के भोग जो लगता है उनको प्रिय भोग भी अलग अलग हैं, माता के को अलग अलग पुष्प भी पसंद हैं। इस तरीके की बातें आपको अनेक ग्रंथों में मिलती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देखिए एक महिला कलाकार भी यहाँ पर माता दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। वास्तव में ये एक तरह से माता की आराधना और स्तुति करने का काम प्रतिमा बनाते समय भी
लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रतिमा जब बनाई जाती है तब माता को प्रसन्न करने के लिए पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से माता की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। और कई स्थानों से माता की प्रतिमा के निर्माण के लिए मिट्टी लाई जाती है और उन मिट्टी को, अलग अलग जगहों की मिट्टी को इस मिट्टी में मिलाया जाता है और उसके बाद माता की प्रतिमा के निर्माण का काम आरंभ किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अंतिम रूप दिया जा रहा है 1 अक्टूबर का, ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या के उपरांत 3 अक्टूबर को शारदेय नवरात्र, जो सर्दी के समय होती है नवरात्र, उसे शारदेय नवरात्र कहा जाता है और छोटी नवरात्र भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र या बासंती नवरात्र मार्च अप्रैल के महीने में आती है और उसे बड़ी नवरात्र कहा जाता है। अभी शारदेय नवरात्र की तैयारियां, सिर्फ एक दिन शेष बचा हुआ है 2 अक्टूबर बुधवार का, और उसके बाद 3 अक्टूबर को माता विराजेंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।